Hmm. गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश भैरव हमारे ईस्ट इनकी कई साधनाएं मैंने दी है आज जो साधना दे रहा हूं वो शत्रुनाश का साधना है शत्रुनाश का साधना से कोई खुश ना हो जाए कि आपके शत्रु को मारने का मैं विधान बता रहा हूं शत्रु आपके नहीं रहेंगे इस तंत्र के प्रयोग से आप खुशहाल रहेंगे आपको टेंशन नहीं रहेगा उसके लिए ये तंत्र प्रयोग है भैरव को अष्टमूर्ति बोला जाता है उसी में एक मूर्ति है सर्वेश्वर भैरव तो आप लोग बोलेंगे कि सर्वेश्वर भैरव तो गुरु जी नया नाम है लेकिन आम जनमानस इनको आकाश भैरव के नाम से जानता है इनको शमशान रुद्र भी बोला जाता है इनको कालाग्नि रुद्र प्रलय कालाग्नि रुद्र भी बोला जाता है नील भैरव बोला जाता है महाभैरव बोला जाता है काफ़ी नाम है इनके तो जब विष्णु जी का तो बहुत सारा अवतार हुआ महादेव का कुछ एक अवतार हुआ जिसमें भैरव जी एक अवतार थे भैरव जी ने फिर और अवतार लिए तो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जब प्रहलाद को बचाने के लिए श्री विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो आकाश भैरव के रूप में भैरव जी आए और उनका क्रोध को शांत किया था उन्हीं आकाश भैरव जी की आज आपको एक साधना बता रहा हूँ जिससे नाश होगा और शत्रुओं का दमन होगा मतलब आपके सामने शत्रु जीत नहीं पाएंगे इसके लिए करना क्या होगा अमावस्या का रात से आप इस साधना को शुरू करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे नौ रात तक फिर आप रुकेंगे और फिर आप शुरू करेंगे पूर्णिमा की रात से और फिर आप इसको ले जाएंगे अमावस्या की रात तक फिर पंद्रह दिन का गैप देंगे और इसको पंद्रह पंद्रह दिन आपको करते रहना है जब तक शत्रु का पूरा नाश ना हो जाए इसमें एक विषय और है कि जब आप साधना काल में नहीं हैं तब भी रोज एक माला इसको करनी चाहिए तो इसको करने के लिए क्या क्या आ, सामग्री है जो आपको चाहिए एक तो जो भैरव यंत्र में सामग्रियाँ लगती हैं उतनी सामग्री आपको चाहिए माइनस जो छोटी मछली लगती है तो आप भैरव यंत्र बना लेंगे उसमें एक तरफ दही डालेंगे तला हुआ उरट डालेंगे बीच में दीपक रखेंगे एक तरफ दही बड़ा रखेंगे और उसके बाद उसके सामने चमेली का एक दीपक जलाएंगे जैसा भैरव पूजा विधान में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ठीक है बाबा को खीर का भोग देंगे ठीक है दही बड़े का भोग तो यंत्र के साथ लग जाता है उसके बाद बाबा को खीर का भोग देंगे जो मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इसका सात माला जाप करना है गिनती से सात माला साधना काल में जब साधना नहीं कर रहे हैं जब बीच का गैप होगा तो फिर रोज एक माला इस मंत्र का जाप करेंगे मंत्र सुनिए तीन बार बता रहा हूं उसके बाद आगे का विधान बताऊंगा मंत्र है ओम खेम खाम खम फट प्राण ग्रहसी प्राण ग्रहसी हुम फट सर्व सर्वशत्रु संहारकाय सर्भा पक्षी राजाए हुम फट स्वाहा ठीक है इस मंत्र को आप सात माला जाप करेंगे रोज जब आप साधना काल में हैं और जब साधना काल में नहीं रहेंगे तब इसको एक माला रोज जाप करेंगे अच्छा वो जो गैप पे आप लोगों को साधनाएं करनी है वो एट मैक्स आप पांच बार रिपीट कर सकते हैं उससे ज्यादा इस मंत्र को नहीं प्रयोग करना है और उसके बाद वो एक माला जाप भी रुक जाएगा तब तक आपका शत्रुनाश हो जाएगा एक बार जैसे आपका अगर पहले ही चरण में शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाती है तो तुरंत उसके बाद हवन करेंगे तो कैसे हवन करेंगे ढाई फीट का एक गड्ढा खोदेंगे गोल गोलाकार में ठीक है और उसमें हवन समिधा डालेंगे हम हवन समिधा जो होगा वो बेल की लकड़ी से होगा तो बेल की लकड़ी का हवन समिधा डाला मतलब लकड़ियाँ डाली बेल की और उसके बाद तिल और गूगल मिला करके बाबा का हवन करेंगे दशांश दशांश क्योंकि आप सात सौ हर रोज कर रहे हैं तो दशांश करना एक बार में संभव नहीं होगा तो एक बार दो बार तीन बार जितना भी समय लगे दशांश पूरा कीजिएगा बाबा को कारण जरूर चढ़ाइएगा ठीक है तो ये हो गया शत्रु मर्दन के लिए या फिर सत्रु नाश के लिए सही बोलूँ तो भैरव जी की साधना इसमें दो तीन विषयों का ध्यान रखना है अगर आ, किसी विशेष शत्रु पे आप प्रयोग करना चाहते हैं इसका शत्रुनाश का तो उसके नाम से पहले संकल्प कर लें नहीं तो शत्रु के नाम से आप संकल्प करें इसमें आपको ये समझना है कि आपके इस तंत्र को करने से शत्रु को क्षय या हानि नहीं होगी आप समझ रहे हो बात को मतलब ऐसा नहीं कि उसका उसके घर में मारन हो जाएगा उसके घर में उच्चाटन हो जाएगा या उसको धन की हानि होगी वो आपका शत्रु नहीं रहेगा जो शत्रु भाव है उस व्यक्ति के अंदर उसका मृत्यु हो जाएगा ये इस तंत्र का प्रयोग है तो गलत लोगों पे प्रयोग ना करें अगर आप गलत लोगों पे प्रयोग करेंगे तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा उल्टा इसका दुष्प्रभाव आपके ही ऊपर आएगा भैरव जी की पूजा से शुरू करें जो वीडियो मैंने दिया है कि भैरव जी की पूजा कैसे करें उस पूजा से भैरव जी को आप पहले प्रसन्न करें उसके बाद ही भैरव जी का कोई तंत्र चलाना चाहिए भैरव जी कोई चलते फिरते यक्ष यक्षगंधर्व राक्षस नहीं है कि एक मंत्र आपने दिया मंत्र की सिद्धि की वो प्रकट हो गए और आपका जो भी काम है वो हो जाएगा भैरव की सेवा करो अगर भैरव का पूर्ण कृपा चाहिए ठीक है आज के लिए इतना ही अभी जो शिविर अनाउंस किया था हो सकता है कोरोना वायरस के चलते उसको एक आध सप्ताह में एक्सटेंड करूँ अप्रैल में ले जाऊँ ऐसे भी उस समय गुप्त नवरात्र है तो आप लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखते रहे उस पर मैं नेक्स्ट डेट अनाउंस करूंगा जिसको बेसिक साधना सीखना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए पेड व्हाट्सएप ग्रुप है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव जिसको अपॉइंटमेंट लेना है वो वेबसाइट पे जाए उस, उस पर डब्ल्यू 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 डॉट डॉघोर तंत्र डॉट एक्स वाई जेट उस पर अपॉइंटमेंट सेक्शन है वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें रूज नाथ एट सी एम अभी आजकल उसमें कई रुद्रनाथ आ गया रुद्रनाथ आर आ गया मतलब तो फॉर्जरी का जमाना है तो रुद्रनाथ एट सी फोर मेरी आई है उस पर आप कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं बहुत अगर विशेष बहुत अर्जेंट हो तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश